हेलो दोस्तों, रेलवे टिकट बुकिंग किस तरह से किया जाता है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ऑनलाइन टिकट बुकिंग किस तरह से किया जाता है, IRCTC वेबसाइट, उसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करेंगे मोबाइल के थ्रू, ठीक है। क्योंकि आपको जनरल नॉलेज के खातिर मैं आपको बता रहा हूँ, IRCTS का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिस्ट कॉरपोरेशन का फुल फॉर्म होता है। कि आपको जस्ट जानकारी के लिए और नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि रेलवे का टिकट बुकिंग किस तरह से किया जाता है, टिकट बुकिंग करने से क्या क्या चीज़ें जरूरी है, जिस तरह से हम लोगों को नाम है, एज है और लोकेशन और पिन कोड है, वो सब चीज़ें और मोबाइल नंबर रहेगा इसके अंदर। तो आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा कि रेलवे का ऑनलाइन टिकट किस तरह से किया जाता है बुकिंग, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में ओपन करना है, उसमें आपको IRCTC आपको ओपन करना है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर आप ओपन भी कर सकते हो, आप देख रहे हो प्ले स्टोर में, ओपन प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फिर दूसरा जो है वेयर इज माई ट्रेन, वो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है आपको, क्योंकि जनरली हम लोग कुछ भी रहता है तो हम लोग ऑनलाइन ट्रेन सर्च करते हैं। आप देख रहे हो वेयर इज माई ट्रेन, क्योंकि मैं पर्सनली यूज करता हूँ वेयर इज माई ट्रेन, ठीक है। तो आपको बस IRCTC जो एप्लीकेशन आप देख सकते हो किस तरह का यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा मेन जो है यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, और फिर बाद में आपका जो भी लॉगिन है लॉगिन कर लेना है। वेरिडेशन है, यहाँ पर आप देख रहे हो लॉगिन है, मैं यहाँ पर अपना पिन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड है, URJFNH, जो भी कुछ कैप्चा कोड है मैं यहाँ पर सब एंटर कर देता हूँ। फिर बाद में आपको यहाँ पर आपको लॉगिन कर देना है, ठीक है। तो वेरिडेशन पिन या वॉट एवर वेरीफाई यूजर करेगा, आप देख रहे हो प्रोसेस हो रहा है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो अलग अलग क्लास है, फिर बाद में यहाँ पर आप डैशबोर्ड, अपकमिंग जर्नी, लास्ट ट्रांजेक्शन, सब यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। ये डैशबोर्ड है। फिर यहाँ पर आपको जो भी आपके मैंने बुकिंग किया था वो सब यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लान जो जर्नी है, यहाँ पर आपको देख रहे हो अलग अलग 2S स्लीपर, 3 टायर है, 2 टायर है, इस तरह का अलग अलग दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 2S मतलब दोस्तों ये रहेगा आपको सिर्फ सीटिंग का, मतलब बैठने को जगह मिलेगा, ये है मेन, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आप जो भी डिस्प्ले कर रहा है, तो मैं यहाँ पर दूसरा जो वेयर इज माई ट्रेन है, इसमें भी मैं देख लेता हूँ कि ट्रेन कौन कौन से ड्यूटी कौन से तारीख को जाने का है। तो मैं जनरली वॉट एवर जो भी कुछ रहता है दोस्तों, मेरे वेयर इज माई ट्रेन है वो एप्लीकेशन में फर्स्ट मैं देखता हूँ, उसके बाद जो IRCTC जो मेन ऑफिशियल वेब एप्लीकेशन उसके अंदर मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप पहले सर्च कर लेना है, तो यहाँ पे देख रहा हूँ अहमदाबाद, यहाँ जो भी राजकोट या वॉट एवर गोंडर लोकेशन जो भी कुछ रहता है, डेट यहाँ 15 तारीख का है, ठीक है। आप देख रहे हो दोस्तों कि अहमदाबाद से गोंडर लोकेशन के लिए, तो मैं यहाँ पर से 2S बुकिंग कर रहा हूँ, आई एग्री कर दूंगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर नेम, एज और जेंडर या जो भी है, और बर्थ प्रिफरेंस जो भी है आपको डालना है डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना सब डिटेल डाल रहा हूँ, ठीक है। तो डिटेल डाल देता हूँ, यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो फिर बाद में यहाँ पर मैं एड पैसेंजर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डिटेल सब डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, फिर बाद में पेमेंट थ्रू जो है UPI वॉट एवर जो भी है अलर्ट, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, ठीक है। आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। यहाँ पर फिर बाद में कैप्चा कोड दिया हुआ है यहाँ पर, फिर बाद में 152 का यहाँ पर चार्जेस लगेगा, ठीक है। तो मेन दोस्तों जब यहाँ पर पेटीएम या मैं यहाँ पर से ऑनलाइन पेमेंट करूंगा तो पेटीएम के थ्रू, ठीक है। तो ये जनरली यहाँ पर 10 या 15 रुपीज जनरली ज्यादा कटता है ऑनलाइन टिकट बुक जब आप करते हो। तो मैं यहाँ पर पेटीएम से लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, फिर बाद में OTP भी आ गया है, और फिर बाद में जो भी कुछ आपका कोड या जो भी कुछ रहता है वो डाल देने का है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस आदि हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो मेरा पेमेंट भी कट हो गया 155.95, यहाँ पर मेरा टिकट भी बुकिंग हो गया है। आप देख रहे हो, आप एकदम सिंपल और इजी है, कुछ है नहीं दोस्तों, और एकदम सिंपल स्टेप है। और जल्दी जल्दी आप बिना प्लेटफॉर्म पर जाए भी आप अपने मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपल प्रोसेस है, फिर बाद में यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो नोटिफिकेशन भी आ गया है, देख रहे हो दिनेश प्रसाद का दिख रहा है ऊपर, विनोद नायर करके भी दिख रहा है। तो एकदम सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो टिकट मेरा बुकिंग हो गया होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो मैं इसको एंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है।
दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जस्ट आपको सिंपल में बताया था कि रेलवे टिकट बुकिंग किस तरह से किया जाता है मोबाइल डिवाइस के थ्रू, मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्या करने का रहता है। वीडियो हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन और यूजफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन और यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।